कि हम इस चुनाव में भी बोलते हैं, हम आपको 5 लाख नौकरियां देंगे। ये शाह ने कहा या नहीं कहा, मोदी जी ने कहा या नहीं कहा? कहा। अरे भाई, 5 लाख नौकरियां देने वाले 10 साल क्या कर रहे थे? मैं पूछता हूं और आपको भी पूछता हूं, जो बीजेपी को वोट देने वाले हैं या बीजेपी की तरफ जिनका झुकाव है उनसे पूछता हूं, हुकूमत तो आपकी थी 10 साल, 10 साल में आप नौकरी नहीं दे सकते थे? यह तो छोड़िए, 65% जम्मू कश्मीर में नौकरियां खाली है, 1 लाख नौकरियां बैकलॉग के है, खाली है, फिर क्यों नहीं दिए भाई? ये तो खाली नौकरी थी, क्यों भर्ती नहीं किए? क्यों आप जनता को गुमराह कर रहे हो? क्यों जनता के साथ खिलवाड़ कर रहे हो? क्यों झूठ बोल रहे हो? 5 लाख तो आगे की वायदा कर रहे हैं, जो हुकूमत में नहीं हम कह सकते? अरे आप तो हुकूमत में है, अगर आप चाहते तभी ये कर सकते थे, लेकिन उनकी मंशा नहीं है, उनकी मंशा नौकरी देने की नहीं है, उनकी मंशा यहाँ के युवकों को नौकरी देकर, एम्प्लॉयमेंट देकर वो उनको खुशहाल रखना नहीं चाहते। और जो लोग, जिन लोगों के हाथ में हुकूमत है, उस वक्त ही अगर आप नहीं कर सकते हैं तो बाद में क्या करने वाले हैं? अगर हमारी हुकूमत आएगी, और जरूर आएगी, हम एनसीपी और कांग्रेस मिलके चुन के आएंगे तो हमारी सरकार बनेगी, 1 लाख नौकरियां जो खाली है हम फौरन भर्ती करेंगे।